hello friends today we discuss about the pollinating agencies and pollinating agents we discuss as the pollinating agencies and pollinating agents as 1.15 first we have to remember that what is mean as the pollination pollination is the process in which pollen grains are transferred from anther to stigma of flower पोलिनेशन ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें हम बोल सकते हैं कि किसी फ्लावर की एंथर से पोलन ग्रेन्स किसी किसी दूसरे फ्लावर में या उसी की फ्लावर के स्टिग्मा पर डिपॉजिट होना ट्रांसफ़र होना इसे हम क्या कहेंगे पॉलिनेशन इसी अकॉर्डिंग टू पॉलीनेशन में हम आगे पढ़ेंगे पॉलीनेटिंग एजेंसीज अब सबसे पहले हमें ये पता करना है कि पॉलीनेटिंग एजेंसीज का क्या मतलब होगा या हम क्या अंडरस्टूड करते हैं सो हियर व्हाट इज मीन एज पॉलिनेटिंग एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन और फॉर ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा प्लांट्स हैव टू डिपेंड अपॉन सर्टन एक्सटर्नल कैरियर्स और एजेंट सच कैरियर्स आर नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंसी और पॉलिनेटिंग एजेंट्स यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि पोलिनेशन के लिए और पोलिनेशन का ही मतलब है कि पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर करना तो पोलिनेशन होना या पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र करना ये प्लांट्स की एक खास एक्सटर्नल कैरियर पर डिपेंड करता है या प्लांट्स पूरी तरीके से पॉलीनेशन के लिए किसी बाहरी किसी बाहरी एजेंट पर किसी बाहरी मीडियम पर अगर वो डिपेंड करता है तो इसे पॉलिनेटिंग एजेंसी कहा जाता है या जो बाहरी एजेंट है या बाहरी मीडियम है उसे पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी बोलेंगे सो अगेन वट इज मीन एज द पॉलिनेटिंग एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन और फॉर ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा प्लांट्स हैव टू डिपेंड प्लांट्स पूरी तरीके से डिपेंड है ऑन वॉट अपॉन सर्टन एक्सटर्नल कैरियर्स और एजेंट्स सच कैरियर्स आर नोन एज पॉलीनेटिंग एजेंसी और पॉलीनेटिंग एजेंट्स सो अकॉर्डिंग टू दैट हम इस पॉलीनेटिंग एजेंसी का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्योंकि ये जो पॉलीनेटिंग एजेंसी या फिर एजेंट्स है डिपेंड करते हैं कि किस प्लांट में किस तरीके से कौन सा मीडियम इस्तेमाल होगा कौन सा एक्सटर्नल कैरियर इस्तेमाल होगा या कौन सा एजेंट्स यहाँ किस तरीके की प्लांट्स में किस तरीके से पॉलिनेशन कैरी करेगा तो उसी अनुसार यहाँ पर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट्स और द एजेंसी मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेरियस एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज देयर आर मेनली टू कैटेगरीज सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू नो दैट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सो अब तक जितना हम डिस्कस कर चुके उसके अनुसार हम पहले भी जानते हैं कि पॉलिनेशन जो है वो एक मार्क के लिए पूछा जाता है पॉलिनेटिंग एजेंसीज व्हाट इज मीन बाय पॉलिनेटिंग एजेंसी करके एक मार्क के लिए पूछा जाएगा और आगे अब टू मार्क शॉर्ट नोट के लिए हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट्स देर आर मेनली बी टू क्लासिफिकेटिंग ग्रुप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंसीज वन हु कॉल्ड एज ए अ एजेंट

जिसमें वाइंड एंड वाटर इस्तेमाल होता है सो अकॉर्डिंग टू दैट विच आर द अबायोटिक एजेंट इस तरीके से एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी अनुसार अकॉर्डिंग टू वाइंड और अकॉर्डिंग टू वाटर एज पोलिनेशन किया जाएगा तो उसके अनुसार टू मार्क शॉर्ट नोट और समटाइम्स रेयरली द थ्री मार्क शॉर्ट नोट पूछा जाएगा पोलिनेशन बाय वाइंड एनिमोफिली वाइन से पोलिनेशन कैसे होगा और इसे एनिमोफिली क्यों कहा जाता है इन लैटिन वर्ड वाइन मीन्स एनीमोन तो वाइन को लैटिन वर्ड में पहले एनीमोन कहा जाता था और एनीमोन से फिली यानी एनीमोन से कैरी करने वाला पॉलिनेशन इस वजह से एनिमोफिली रेफर किया जाता है मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप प्लांट्स आर वाइन पॉलिनेटेड हमारे इधर जितने भी हम क्रॉप प्लांट्स पढ़ते जो खेती बाड़ी में होते हैं तो मोस्टली ये वाइन पॉलीनेटेड होते हैं यानि हवा से ही पॉलीनेशन किया जाता है दिस इंक्लूड्स व्हीट राइस गेहूँ चावल कॉर्न मक्का रई मोहरी बार्ली जव जिसे कहते हैं एंड ओट्स एक तरह का ये गेहूँ का ही प्रकार है पालम्स आर आरऑल्सो वाइन पॉलीनेटेड पाल्म्स, जिम्नोस्पर्मी प्लांट है जिसमें बहुत रेयरली और बहुत लास्ट लॉन्गिंग में छोटे छोटे फूल खिलते हैं तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं जिसमें वाइंड से पॉलीनेशन होता है अगर वाइंड से पॉलीनेशन होता है तो इसमें खास तरह का अलग सा एक एडोपटेशन उन प्लांट्स में पाया जाएगा जिन प्लांट्स में इस तरीके का एडाप्टेशन होगा उन्हीं प्लांट्स में वाइंड से पॉलिनेशन होगा यानी हर किसी प्लांट में वाइंड से पॉलिनेशन नहीं हो सकता नेचर भी प्लांट्स को उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देता है यानी उन प्लांट्स को वो एडाप्टेशन देता है जिस वजह से एनिमोफिली ही उनमें कैरी होगा सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस एडोप्टन इन एनिमोफिलस फ्लावर्स विच आर आज एज अ टॉपिक फॉर द टू मार्क्स ये टू मार्क्स के लिए अलग से पूछा जाता है कि अगर एनिमोफिली जिन पौधों में होने वाला है प्लांट्स में होने वाला है तो उन प्लांट्स में क्या अडोप्टेशन होना चाहिए सो फर्स्ट द फ्लावर्स आर स्मॉल इन कॉन्सपी उनके जो फ्लावर खिलेंगे वो बहुत ही स्मॉल सूक्ष्म या बहुत ही छोटे होंगे इन यानी इतने बहुत ज़्यादा एक दूसरे में ग्रो करेंगे कि जिनमें एक अलग अलग फ्लावर आँखों में अच्छी तरीके से नज़र नहीं आएगा so, स्ट्रक्चर को इनकॉन्सपीक्यूस कहा जाता है कलरलेस इन फ्लावर्स में कलर नहीं होंगे विदाउट नेक्टर इसमें फ्लावर जूस जो होता है जो पंछी पीते हैं इंसेक्ट पीते हैं ड्रिंक करते हैं उसे नेक्टर कहा जाता है मधुरस फूलों का नेक्टर मधुरस नहीं होगा एंड फ्रेग्रेंस यानी इन्हें सुगंध भी नहीं होगा ऑर्डर नेक्स्ट दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है एडोप्टशन की द पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट पोलन ग्रेन्स जो है बहुत ही हल्के होते हैं ड्राई सूखे होते हैं एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स टू इंक्रीज चांसेस ऑफ पोलिनेशन कंसीडरिंग वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स बहुत ही हल्के होते हैं सूखे जैसे बहुत ही गीले नहीं होते या वेटेड नहीं होते ड्राई तरह के होते हैं सूखे सामान प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स इतने असंख्य नंबर में होते हैं कि उनमें से अगर कुछ पोलन ग्रेन्स हवा से इधर उधर बिखर के वेस्ट भी हो जाए तो भी इतनी नंबरिंग से उनमें पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे कि उनमें से कुछ ना कुछ तो पोलिनेटेड हो ही जाएंगे स्टिग्मा इज़ फिदरी टू ट्रैप पोलन कैरीड बाय वाइंड करंट्स और इन फूलों का जो फीमेल फ्लावर होगा जिसमें स्टिग्मा होगा गाइनोशियम के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा वो इतना बुशी होगा फिदरी होगा कि इजीली अगर कोई भी पोलन ग्रेन्स जाके डिपॉजिट होता है ट्रांसफ़र होता है तो स्टिग्मा का ये जो फिदरी स्ट्रक्चर है ये इन पोलन ग्रेन्स को झट अपने ऊपर सेटल कर लेंगे या उन्हें अपने अपने तरफ कैरी कर लेंगे सो नेक्स्ट इज़ stamens आर एग्जेड with लॉन्ग फिलामेंट्स एंड वर्साटाइल एंथर्स stamens यानी एंथर्स के जो पोलन ग्रेन्स बर्स्ट करने वाले जो टीप होती है जिसे स्टेमन्स कहेंगे ये बहुत ही लॉन्ग फिलामेंट यानी लंबी डंठल के होते हैं एंड वर्साटाइल एंथर्स यानी उनके एंथर्स जो अलग -अलग है अलग अलग शेप एंड साइज में होते अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं जिसकी वजह से अलग अलग डायरेक्शन में पोलन ग्रेन्स भर्स्ट होके फुट के फैलना शुरू कर देते हैं नेक्स्ट इज एडोप्टेसन स्टैमन्स एंड स्टिग्माज आर एक्सपोज टू एयर करंट्स जो स्टेमन्स है ये जैसे भस्ट होती है और एंथस फूट के पोलन ग्रेन जब रिलीज करता है तो ईजीली हवा में फैलना शुरू हो जाता है और जो स्टिग्मा होती है फीमेल फ्लावर की वो बाहरी हवा में तैरती हुई नज़र आती है या फ्लोन करती हुई नज़र आती है एक्सटर्नली ग्रो हो जाती है जिसकी वजह से हवा में तैरते हुए जो पोलन ग्रेन से ईजिली आके स्टिग्मा के ऊपर सेटल हो सकते हैं अब इसी को हम आगे एक जो डायग्राम दिया गया है उससे थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे इस डायग्राम में हम देखेंगे पॉलिनेशन बाय वाइंड और ये मेज यानि में दिखाया गया है डायग्राम में हम देख रहे हैं कि टीप में मेल इन्फ्लोरसेंस जिसे टसल कहा जाता है यानि मेल फ्लावर जो होता है उस पौधे के उस प्लांट के टीप पर होता है ऊपरी डंठल पर होता है और बहुत सारे नंबर से फ्लावर्स होते हैं इंसकॉन्सपीक्यूस जिसे हमने कहा है बहुत ही छोटे होते हैं कलरलेस होते हैं और जिनमें जो एंथर्स भस्ट होते हैं पोलेंग्रस निकलते हैं तो बहुत ही माइक्रो आकार के और बहुत आ, सारे नंबर से होते हैं जो हवा में इधर उधर लाइट वेट होने की वजह से फैलना शुरू कर देते हैं और इनका जो फीमेल फ्लावर है नीचे जो दिया गया टाइल्स सिल्क्स फीमेल इन्फ्लोरसेंस यानि हमने भुट्टा देखा है भुट्टा जब भी हम घर में लाते हैं तो जब वो पत्तों से ढका होता है तो उसके अंदर बाल जैसे रेशमी धागे थ्रेड्स होते तो वो रेशमी धागे और थ्रेड्स तो उसका जो बुट्टा का जो ये होता है वो पहले ही उसी तरीके से फीमेल फ्लावर होता है पॉलिनेशन होने के बाद उसमें ग्रेन्स यानी मके के दाने बनना शुरू होते हैं तो यहाँ पर दिखाया गया है स्टाइल्स सिल्स करके फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ईयर जिसे कहा जाता है कि जब वो फीमेल फ्लावर होता है तो उसे ईयर कहा जाता है जिसमें फीमेल छोटी छोटी फ्लावर्स अंदर ही अंदर होती है और उनकी स्टिग्मा बाहर एयर में फ्लोट करती है बालों की तरह हेयर्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह और जैसे हवा से ऊपर से वाइंड करंट से जब पोलन ग्रेन्स बहते हुए आते हैं तो बराबर नीचे की फीमेल फ्लावर की स्टाइल्स पर स्टिग्मा पर अपने आप डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही मेल और फीमेल गमिट फ्यूज होते हैं आगे जर्मिनेट होने के बाद तो नीचे दिया गया कि किस तरीके से उनमें सीड बनना शुरू हो जाता है और हम जो हमारे लिए भुट्टा कहते हैं वो भुट्टा बन जाता है इसको हम थोड़ा सा डिफाइंड करके देख सकते हैं कि मे बी मेल फ्लावर किस तरीके से एक पुष्प गुच्छ करके होता है और फीमेल फ्लावर भी एक तरह का एक पुष्प गुच्छ होता है अभी अभी हमने पॉलिनेशन बाय वाइन पढ़ा है जिसमें एडोप्टशन दो मार्क ले और अगर आप देना चाहो तो हमने जो डायग्राम पढ़ा है वो डायग्राम भी आप स्केच कर सकते हो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन बाय वाटर यानी बायोटिक एजेंट में अ, 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 अबायोटिक एजेंट में दूसरा जो मीडियम है पॉलीनेटिंग एजेंट है वो वाटर है तो वाटर यानी वी हैव टू नो दैट हाइड्रो और हाइड्रो से कैरी करने वाला पोलिनेशन तो उसे हाइड्रो फिली कहा जाता है फाउंड ओनली इन सम थर्टी जनर ऑफ एक्टिक मोनोकॉट्स मोनोकोटी में मोस्टली वाटर से पोलिनेशन होता है और एग्जाम्पल या कुछ प्लांट्स के लिए वैलिसनेरिया जोस्टेरा सेराटोफाइलम तो, एट्सट्रा ऐसे कुछ या हम लोटस भी बोल सकते हैं कि मोस्टली यहाँ पर एकटिक जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं में इस तरीके का हाइड्रोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन पाया जाता है अब बिल्कुल उसी तरीके से कि व्हाट आर द एग्जांपल्स टू कैरी फॉर द हाइड्रोफिली वन मार्क के लिए पूछा जाएगा या फिर इसके ऊपर एमसीक्यू बनाया जा सकता है दो मार्क के लिए अगर शॉर्ट नोट होगा तो हमने पहले जैसे डिस्कस किया कि अगर हाइड्रोफिली होता है तो हाइड्रोफिली फिली हर किसी प्लांट्स में नहीं होगा एक्वेटिक प्लांट्स में होगा अगर एक्वेटिक प्लांट्स में होगा तो उन एक्वेटिक प्लांट्स में भी उनके स्पेशल नेचुरल एडेप्टशनस ही होंगे जिसकी वजह से वाटर से ही उसमें पॉलिनेशन किया जा सकता है सो फॉर टू मार्क शॉर्ट नोट आज क्वेश्चन एज द एडप्टोशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर्स सो फर्स्ट एडप्टेसन इज फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्सपीक्यूस बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वाइंड में देखा गया है यहाँ फ्लावर छोटे होते हैं बहुत सारे नंबर से इन कॉन्सिपिकेशन इस तरीके से घने होते हैं एक गुच्छ की तरह पेरियंथ सेकेंड एडप्टेशन पेरियंथ एंड अदर फ्लो फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल ये एक्वेटिक प्लांट है लेकिन इनके जो फूल की पंखुड़ियां पेरियांथ जिसे कहते हैं पंखुड़ियों का जो घेरा होता है क्राउन वो गीला नहीं हो पाता ये अनवेटेबल होता है अगर गीला होता तो शायद गीले होते ही ये सड़ना शुरू कर देता पर नहीं होता कुछ समय के लिए वो वैसे ही पानी में फ्लोएट करते रहता है सो इसे अनवेटेबल कहते कि वो वेट नहीं होता पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज। फिर इन फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं ये लंबी लंबी निडल लाइक शेप में होते हैं यानी सुई के आकार में होते हैं ये भी गीले नहीं होते पानी में स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं या पानी में छोड़ दिए जाते हैं पर ये गीले नहीं होते क्योंकि उसमें म्यूसिलेज यानी ऑयली सब्सटेंस ऊपरी सतह पर रिलीज हो जाता है या ऑयली सब्सटेंस से वो कवर होता है जिसे म्यूसिलेज कहा जाता है जिसकी वजह से पानी में रिलीज़ होने की वजह पानी में रिलीज़ होते ही ये गीले नहीं होते नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस आर लैकिंग इन फ्लावर्स हाँ इनके फ्लावर में भी मधुरस पुष्परस नहीं होता इनको सुगंध भी नहीं होता क्योंकि यहाँ वाटर और वाइंड जो है वो अबयोटिक एजेंट है जिन्हें सेंट की कोई ज़रूरत नहीं है कि सेंट की वजह से वो अट्रैक्ट होंगे तो इन फ्लावर में ना ही मधुरस पुषपरस या सुगंध नहीं होता अब अकॉर्डिंग टू इसी अनुसार थोड़ा सा एक चेंज है कि कभी कभी हाइड्रोफिली दो टाइप्स में पाया जाता है सो देयर आर हाइड्रोफिलीज ऑफ द टू टाइप्स एक कहा जाता है हाइपोहाइड्रोफिली हाइपो का मतलब है नीचे किसके नीचे हाइड्रो पानी की सतह के पानी की सरफेस के नीचे पोलिनेशन कैरी करना इस वजह से इसे हाइपोहाइड्रोफीली कहा जाता है पॉलीनेशन ऑकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर हियर द प पोलन ग्रेन्स आर हैवियर दैन द वॉटर सिंग डाउन एंड कॉट बाय स्टिगमाज ऑफ फीमेल फ्लावर्स एग्जाम्पल इन जोस्टेरा सो जोस्टेरा नाम का एक एक्वेटिक प्लांट है जिसमें फूल खिलते हैं फूल खिलने के बाद पोलन ग्रेन्स रिलीज होते लेकिन पोल ग्रेन्स पानी के मुकाबले हीवी होते हैं मोटे होते हैं जो कि उस पानी की वॉटर बॉडीज़ की तुलना में उसकी जो मिट्टी होती है या सैंड होती है वहाँ पर नीचे मिट्टी पर सैंड पर जाके निचली सतह पर जाके सिंक यानि सेटल हो जाते हैं और जो इनकी जो फीमेल फ्लावर्स होती हैं उनकी स्टिग्मा धीरे धीरे उसे सेंसेस करते हुए मिट्टी की तरफ बढ़ती है और वहाँ से स्टिग्मा खुद इन पोलन ग्रेंस को रिसीव कर लेती है और इस तरीके से पोलिनेशन किया जाता है बिलो द वाटर सरफेस जोस्टेरा जिसे सी ग्रास भी कहा जाता है पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड विदाउट एग्जाइन पोलन ग्रेन्स लंबे होते हैं और रिबन की तरह पतले स्टाइल के साथ होते हैं पतली डेंटल के साथ होते हैं और विदाउट एग्जाइन यानी ऊपरी मोटी वाली सतह इन पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट नहीं होती सो इजीली फीमेल फ्लावर की जो स्टिग्मा होती है वो इन्हें Easily अपने ऊपर सेटल कर लेती है रिसीव कर लेती है सो so, इस तरीके से हाइपोहाइड्रोफिली कैरी होता है अब इसी का जो दूसरा प्रकार है ईपीहाइड्रोफिली द पोलन ग्रेन्स फ्लोएड ऑन द वॉटर सरफेस एंड रीच द स्टिगमा ऑफ फीमेल फ्लावर एग्जाम्पल वैलिसनेरिया इस सब डायोशियस फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट इन विच फीमेल फ्लावर रीच द वॉटर सरफेस टेम्पर पॉलिनेशन एंड फ्लावर्स हाइड्रोफिली ईपी का मतलब है की किसके? पानी की सरफेस के ऊपर यानी पानी के सर्फेस से बाहर निकलेंगे पोलन ग्रेन्स और फीमेल फ्लावर्स और पानी के सतह की ऊपरी एयर में ऊपरी हवा में एक दूसरे से ये पॉलीनेट करेंगे या पोलनग्रेंस पोलिनेट होंगे स्टिग्मा पर तो इस वजह से इसे ई पी हाइड्रोफिली कहा जाता है जो वाटर सरफेस होता है उस वाटर सरफेस के ऊपर ऊपर पोलनग्रेंस तैरना शुरू कर देते हैं ये लाइट वेटेड होते हैं उसके अलावा अनवेटेबल होते हैं गीले नहीं होते बिल्कुल उसी तरीके से फीमेल फ्लावर की जो स्टिग्मा होती है वो स्टिग्मा भी धीरे धीरे पानी की सरफेस से बाहर निकल के इन्हीं पोलन ग्रेन्स के पास धीरे से पहुंच जाती है जैसे एक दूसरे से वो आ, स्टिक हो जाते हैं या फिर एक दूसरे को सेंसेस करते तो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेट हो जाती है एग्जाम्पल यहाँ दिया हमें एक्वाटिक प्लांट है वैलिसनेरिया आगे एक डायग्राम भी इसका फॉलो किया है जिससे हम थोड़ा बहुत इस इसको समझ सकेंगे वैलिस नेरिया एक सबज डायोशियस फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है मतलब वैलिस नेरिया में एक मेल प्लांट अलग और एक फीमेल प्लांट अलग होता है मेल प्लांट में मेल फ्लावर खिलेंगे और फीमेल प्लांट में फीमेल फ्लावर खिलेंगे और एक फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है यानी मीठे पानी में ही ये खिलने वाला पौधा है In which female flowers reach the water surface temporarily to ensure pollination। यानी इन में जो female flowers होते हैं, वो कुछ समय के लिए water surface आ, के ऊपर temporarily धीरे से आ जाते हैं, उसकी जो डंठल होती है फ्लावर्स की वो काफी लंबी और स्प्रिंग लाइक होती है जैसे जैसे पानी से वो बाहर आती वैसे वो स्प्रिंग की तरह उसकी जो डंठल होती है वो खुलना शुरू कर देती है किस लिए टू तो एंश्योर पॉलिनेशन एंड मेल फ्लावर्स फ्लोएट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर कि वो एंश्योर करती है कि पॉलिनेशन करना है तय करती है पॉलिनेशन करना है क्योंकि उसे ये भी पता होता है कि वाटर सरफेस पर मेल फ्लावर्स फ्लोएट कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स वाटर सरफेस पर तैर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर दैट इज वाई दे फ्लोएट ऑन सरफेस ऑफ वाटर अब यहाँ पर मेल फ्लावर फ्लोएट क्यों करते हैं फीमेल फ्लावर ऊपर ही सतह पर आके फ्लोएट क्यों करते हैं तो उसका एक खास रीज़न यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उन पोलन ग्रेन्स में जो वाटर के वेट से इक्वल करती है जिसकी वजह से वो पानी में अंदर जा के नहीं होते पानी के ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं सम एक्टिक प्लांट्स आर एनिमोफिलस एग्जाम्पल पोटामोगेटॉन हेलोगेरिस एट्सेट्रा कुछ एक्टिक प्लांट्स दिए जो एनिमोफिलस भी होते हैं यानी सारे के सारे एक्टिक प्लांट्स हाइड्रोफिलस नहीं होते इसका मतलब ये है कि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं लेकिन वो हवा से भी पॉलिनेट कर सकते इसमें दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं पोटामोगेटोन और हेलोगेरिस वन मार्क एम या वन मार्क क्वेश्चन के लिए ये पूछा जा सकता है सम एक्वेटिक प्लांट्स आर एंटोमोफिलस यानी कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे जो इंसेक्ट एंटोमोन का मतलब है इंसेक्ट्स इंसेक्ट से पॉलिनेट करते जैसे कि यह दिया है लोटस कमल वाटर हाइसिन जिसे हम जलकुंभी कहते हैं जो पानी में देखी गई है वाटर लीली कुछ ऐसे पानी में खिलने वाले अलग अलग तरह के फूल के पौधे जिसे वाटर लीली कहेंगे तो ऐसे कुछ पौधे जिसमें इंसेक्ट से भी पॉलिनेशन होता है यानी पानी से ही पॉलिनेशन होगा ऐसे ज़रूरी नहीं है यहाँ एक डायग्राम हम देखेंगे इस डायग्राम में थोड़ा सा व्यू है इसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि वैली स्नेरिया का ये डायग्राम है जिसमें वाटर से किस तरीके से पॉलिनेशन होगा जो कि हम पढ़ने वाले ई पी हाइड्रोफिली ऊपर में वाटर लेवल दिखाया गया है जहाँ पर स्प्रिंग लाइक जैसे ये उसका डंठल दिखाया गया है जो फीमेल फ्लावर है वो ऊपर ही वाटर की सरफेस पर फ्लोएट कर रहा है इधर मेल फ्लावर दिखाया गया है ये मेल फ्लावर अपने आप से जब Uh, भस्ट होता है तो पोलन ग्रेन्स और पोलन ग्रेन्स के साथ छोटे छोटे फ्लावर्स छोड़ता है ये फ्लावर धीरे धीरे स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से नीचे बॉटम में जाके सिंक ना हो, होते हुए ये ऊपर आके वाटर की ऊपरी सतह पर फ्लोट करना शुरू कर देते इस तरीके से मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर सेंसेस करते हैं और उनमें वाटर सरफेस के अबाव ई पी एन अबाव पॉलिनेशन किया जाता है सो इन दिस वे आज कैजू मार्क्स एज अ ई पी हाइड्रोफिली इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ अ सच स्केच मेल एंड फीमेल प्लांट एज वेल इजनेरिया अब इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज द बायोटिक एजेंट्स जिसमें हम देख रहे हैं हमने अभी अभी जो डिस्कस किया है वो अब एजेंट था जिसमें वाइंड एंड वाटर था अब हम डिस्कस करेंगे बायोटिक एजेंट्स बायो यानी लिविंग एटी परसेंट ऑफ प्लांट्स रिक्वायर हेल्प ऑफ अदर लिविंग मूविंग क्रिएचर्स सचस इंसेक्स बर्ड्स बैट्स स्नेल्स टू ट्रांसफर देअर पोल फ्रॉम वन फ्लावर टू अन अदर दिस ऑल्सो सस्टेन अवर इकोसिस्टम्स एंड प्रोड्यूस नेचुरल रिसोर्सेज बाय हेल्पिंग प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस यानी यहाँ पर जो पॉलिनेशन किया जाएगा ये पॉलीनेशन लिविंग एजेंट से किया जाएगा लिविंग मीडियम से तो दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि पॉलिनेशन में से अस्सी प्रतिशत पोलिनेशन बायोटिक एजेंट से ही होते हैं तो ये बायोटिक एजेंट्स कौन हैं इंसेक्ट्स कीड़े बर्ड्स पंछी बैट्स जिसे हम चमगादड़ कहेंगे या स्नेल्स कुछ एक्वाटिक क्रिएचर्स सो इस तरीके से ये पोलन ग्रेन्स अपने शरीर के ऊपर अपने शरीर के साथ या अपनी फीडिंग मैकेनिज़म से उन्हें खुद रियलाइज़ नहीं होता लेकिन साइमल्टेनियसली वो अपने साथ पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक सो इस तरीके से ये बायोटिक एजेंट्स कहलाए जाते हैं कि कुछ ऐसे लिविंग बींग्स है जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं अब हम यहाँ वन बाय वन पढ़ेंगे कि इंसेक्ट्स बर्ड्स बैट्स किस तरीके से पोलिनेशन में हेल्प करते हैं अगर इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है तो किस तरीके से यह रेफर किया जाएगा पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स जिसे एंटोमोफिली कहा जाता है एंशेंटली एंटोमोन का मतलब आज हम उसे इंसेक्ट्स कहते हैं सो इस तरीके का पोलिनेशन रोज़ यानी गुलाब जासमिन सुगंधी छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जासमिन नाम के सेस्ट्रम सेटम नाम के कुछ ऐसे फ्लावर है जो सुगंध देते हैं ऐसी फ्लावर्स के पौधों में ऐसे पौधों में ही इनसे का पॉलिनेशन देखा जाता अब क्यों ऐसे सेंटेड वाले या ऐसे कुछ फ्लावर्स है जिसमें इंसेक्ट ही पॉलिनेशन क्यों करते हैं तो बाय नेचर में इन ऐसे कुछ प्लांट्स है जिनमें स्पेशल टाइप का अडोप्टेसन दिया गया है जिसमें इंसेक इंसेक्ट ही पोलिनेशन कर सकते हैं so ask for the two marks adaptation in entomophilous flowers they are large showy and often brightly colored इनके जो फ्लावर होते हैं जहाँ entomophily टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है उन प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं आकार से एज़ कम्पेयर टू द एनिमोफिली और हाइड्रोफिली एनिमोफिली और हाइड्रोफिली यानी वाइंड और वाटर से पॉलिनेशन की तुलना में इनके जो फ्लावर होते बड़े होते थोड़े शो भी अच्छे खासे खिलते हैं उसमें से पेटल्स जो होते हैं वो अच्छी खासी भी यानी नज़र आती है और बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स में होते हैं द फ्लावर्स प्रोड्यूस विट ऑर्डर स्मेल एंड हैव नेक्टर ग्लैंड जो फ्लावर्स होती है उसमें एक मीठा सा सुगंध आता है और नेक्टर नेक्टरग्लैंड फ्लावर्स में कुछ ऐसी मधुरस बनाने वाली ग्रंथियाँ होती है जो उन फ्लावर के अंदर ही अंदर मधुरस भी बनाती हैं। द स्टिग्मा इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेयर और इस्टिकी ड्यू टू म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन जो इस फ्लावर का स्टिग्मा होता है वो चिकट होता है जिसके ऊपर हल्के से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और जिसकी वजह से अगर पोलन ग्रेन्स आता है तो इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर में ये पोलन ग्रेन जल्दी से अटैच हो जाती है या जो म्यूसिलेट जिन्हें सिक्रीशन है चिकट रस जो उसमें सिक्रीशन होगा जिसकी वजह से इजीली पोलन ग्रेन स्टिक हो पाएंगे द पोलन ग्रेन्स आर स्पाइनी एंड सराउंडेड बाय येलो स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन कीट इनमें जो पोलन ग्रेन बनेंगे ये काटेदार आउटर एग्जाइन के होंगे हमने इसके पहले पढ़े हैं स्मूथ वॉल पोलन ग्रेन एंड रफ वॉल पोलन ग्रेन तो इस इंसेक्ट से पोलिनेट करने वाले प्लांट्स में जो पोलन ग्रेनस होंगे वो रफ वॉल पोलन ग्रेन होंगे जिन्हें स्पाइनी कहा जाएगा और जिसमें उसकी ऊपरी सतत हल्की सी येलो कलर की पोलन किट यानी पोलन ग्रेन की एक लेयर में बंधी होगी जो जिससे एक स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेट होता रह गया यानी इजीली स्टिग्मा के ऊपर वो स्टिक हो जाए सम प्लांट्स हैव स्पेशल एडोप्टेशन फॉर द इंसेक्ट विजिटर टू हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन एग्जाम्पल लीवर मेकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म इन साल्विया कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं जो एक खास तरह का एडोप्टेसन इंसेक्ट की विजिट करने के लिए या इंसेक्ट से अपने आप पॉलिनेशन होने के लिए एक खास तरह का एडोप्टेसन दिखाते तो वो कुछ खास तरह की प्लांट में ही पाया जाता है तो जिसे यहाँ पर रेफर किया गया लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म और वो पौधा है सालविया सालविया नाम के प्लांट में जो फूल खिलेगा उस फूल में एक खास तरह का मैकेनिज्म इस तरह की इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए अडॉप्ट दिखाया गया है या अडॉप्ट किया जाता है सो वी हैव टू जस्ट स्टडी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम लीवर मेकेनिज्म इन सालविया इस तरीके से एक सालविया का फ्लावर दिखाया गया है इस फ्लावर में दो तरह की स्टिग्मा होती है एक छोटी स्टिग्मा होती है और एक बड़ी स्टिग्मा होती है छोटी स्टिग्मा के ऊपर जो इंसेक्ट है वो जाके पहले बैठता है जैसे वो बैठता है तो बड़े बड़ी जो स्टिग्मा होती है लॉन्ग स्टाइल वाली जो स्टिग्मा होती है उसके पीठ के ऊपर जाके टकराती है पर जैसे इस स्टिग्मा वाले फीमेल फ्लावर में आता है तो इसमें जो एंथर्स होती है एंड्रोशियम उसकी जो एंथर्स होती है वो भस्ट होके उनके पोलन ग्रेन्स इसकी इंसेक्ट की विंग्स के ऊपर पहले से डिपॉजिट होती है यानी लीवर की तरह जैसे कोई किसी एक डेंटल पर प्रेशर दे तो दूसरी डेंटल आके जैसे उसके पीठ पर टकराएगी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर लीवर मेकेनिज़्म के जैसे ही जो लॉन्ग स्टाइल वाला लॉन्ग डंठल वाला जो स्टिग्मा होता है इसकी पीठ से आके टकराता है और खुद खुद इसकी पीठ से या इसकी पंख से जो पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर स्टिक होते हैं इंसेक्ट की बॉडी की ऊपर ही ऊपरी सतह में या विंग्स पर वो अपने आप स्टिग्मा रिसीव कर लेती है सो इस तरीके से सालविया में एक स्पेशल टाइप के मेकेनिज़म से इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है जिसे लीवर मेकेानिज़म इन सालविया कहा गया है नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी स्टडीनेशन बाय बर्ड्स फॉर टू मार्क्स रेयरली द वन मार्क्स जिसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है एंशेंटली ऑर्निथोन का मतलब बर्ड्स कहलाते थे तो यहाँ पर बर्ड से होने वाला जो पॉलिनेशन है जिसे ऑर्निथोफिली कहा गया है ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर स्पेश फॉर पॉलीनेशन यूजली हैव स्मॉल साइज एंड लॉन्ग बिक्स एग्जाम्पल सन बर्ड्स एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सम आर्नीथोफिलस प्लांट्स आर बॉम्बैक्स कैलिस्टेम बॉटल ब्रश ब्यूटिया एट्सट्रा यानि यहाँ पर कुछ बहुत ही रेयर टाइप के बर्ड्स हैं जो पॉलिनेशन के लिए हेल्प करते बाय नेचुर सारे बर्ड्स पॉलिनेशन नहीं कर सकते ऐसे ही बर्ड्स जिनका शरीर का आकार छोटा या लंबी लंबी बार एक सी चोच होती है जिसे सन बर्ड्स या ह्यूमिंग बर्ड्स भी कहते हैं और कुछ ऐसे और प्लांट्स के एग्जाम्पल दिए गए जिसे बॉम्बैक्स कैलिस्टेमोन यानी बॉटल शेप में उनका फूल खिलता है और जिसके अंदर मधुरस यानी पुष्परस नेक्टर फ्लावर नेक्टर जिसे कहते हैं वो बनाया जाता है स्टोर किया जाता है दूसरा दिया ब्यूटिया ब्यूटिया नाम का एक फ्लावर है जिसमें भी आकार में उसका फूल खिलता है जिसमें फ्लावर की ट्यूब होती है जिसमें फ्लावर नेक्टर जमा किया जाता है इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो फूल होगा इसमें स्पेशली एक तरह का बॉटल लाइक या जिसमें फ्यू फूल में ट्यूब बनेगी यानी सारी जो पंखुड़ियाँ हैं वो फ्री पंखुड़ियां नहीं होगी वो सारी पंखुड़ियां एक दूसरे से जोड़ी जाएगी और जोड़ने के बाद एक तरह का बॉटल बन जाएगा एक तरह का ट्यूब बन जाएगा और जिसके अंदर उसका फ्लावर नेक्टर यानी पुष्परस सीक्रेट होना शुरू रहेगा और इसी पुष्परस के लालच में या अट्रैक्शन से ये फ्लावर्स उसे पीने के लिए आएंगे और इनकी पंख के ऊपर फिदर्स के ऊपर चोच के ऊपर या बॉडी के ऊपर या लेग्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स रिसीव करेंगे और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में इस तरीके से उड़ते उड़ते वो एक फ्लावर से ग्रेन्स दूसरी फ्लावर के स्टिग्मा पर डिपॉजिट करेंगे सो इन दिस वे साइमल्टेनियसली कैरी एज द पोलिनेशन बाय बर्ड सो कॉल्ड द ऑर्निथोफिली इसमें दो मार्स के लिए पूछा जाएगा एडोप्टेशन इन ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड इसमें जो फ्लावर्स होंगे वो थोड़े से ब्राइट कलर के होंगे अट्रैक्टिव कलर के होंगे जो बर्ड्स इजीली उन्हें अट्रैक्ट कर कर पाएंगे और उनके तरफ अट्रैक्ट होके वो उन फूलों के ऊपर जाके बैठेंगे सो फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड लार्ज एंड शोवी कम से कम इतने बड़े आकार के हो कि वो जो छोटे आकार के जो बर्ड से जो पॉलीनेशन करेंगे वो बर्ड्स उनके ऊपर अच्छे से बैठ पाए या उनके उन फ्लावर्स के अंदर अपनी चोच डाल के उसका फ्लावर नेक्टर ड्रिंक कर पाए या पी पाए शो भी अच्छी तरीके से वो खुल के दिखेंगे और अच्छी तरीके से उनके कलर्स जो है वो इन बर्ड्स को अट्रैक्ट करने में नजर आएंगे दे सीक्रेट प्रोफ्यूज डायलूट नेक्टर उनके अंदर अंदर ही अंदर प्रोफ्यूज़ यानी अंदर ही अंदर अपने आप में गाढ़ा गाढ़ा सा और हल्का सा चिकट फ्लावर नेक्टर सीक्रेट होगा जो धीरे धीरे डाइल्यूट यानी पतला होना शुरू हो जाता है और एक पानी की तरह स्वीट स्वीट ड्रिंक की तरह वो स्टोर होना शुरू हो जाता है पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड स्पाइनी इनके जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो थोड़े से स्टिकी चिपकने वाले होंगे स्पाइनी रफ वाल वाले होंगे काटेदार एग्जाइन वाले जिसकी वजह से इजीली इन बर्ड्स के बॉडी पर फिदर्स पर विंग्स पर या लेग्स पर इजीली स्टिक हो जाए फ्लावर्स आर जनरली विदाउट फ्रेगरेंस एज बर्ड्स है पुअर सेंस ऑफ इन स्मेल इनके फ्लावर्स में सुगंध नहीं होगा क्योंकि बर्ड्स हमेशा पुअर सेंस ऑफ स्मेल होते इन्हें कोई सुगंध नहीं आता पोलिनेशन बाय बैट्स यहाँ लास्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे कि अगर नाइट में खिलने वाले फूल होंगे जिसे नक्टूर्नल फ्लावर्स या एनेक्ट्रनल प्लांट्स कहते हैं जिनमें रात में फूल खिलते हैं तो रात में पोलिनेशन कौन करेगा तो रात में भी कुछ ऐसे बायो एजेंट्स है बायोटिक लिविंग क्रिएचर्स है जो नाइट फ्लावर्स में अपनी फीडिंग करने जाते हैं और जिनकी वजह से बाय नेचुरली पोलिनेशन कैरी हो जाता है बैट्स कैन ट्रांसपोर्ट पोल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस सम टाइम सेवरल किलोमीटर्स यानी अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो रात में खिलने वाले फूलों में पॉलिनेशन कैसे होता है उसके आधार पर पढ़ने वाले हैं सो पोलिनेशन बाय बैट्स बैट्स यानी चमगादड़ पर चमगादड़ को साइंटिफिकली एंशेंटली चिरेप्टेरॉन कहा जाता है और ये चिरोप्टेरो फैमिली से बिलोंग करता है सो so, बैट से होने वाला पोलिनेशन इस वजह से इसे भी कहा गया है बैट जो है पोलन ग्रेन वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस बहुत दूरी पर एक प्लांट से लेके तो कई दूरी पर दूसरे पर ले जा सकते हैं यानी किसी बहुत दूर की फ्लावर के एंथर से बहुत दूर की स्टिग्मा पर वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेवरल किलोमीटर्स जिसमें किलोमीटर्स भी डिस्टेंस कैरी कर सकते हैं टू मार्क्स के लिए यहाँ पूछा जाएगा एडोप्टेन इन फ्लावर्स पहली एडोप्टेसन है फ्लावर्स आर डल कलर्ड विथ स्ट्रांग फ्रेगरेंस इनके जो फ्लावर के कलर होंगे वो थोड़े से डल होंगे यानी बहुत अट्रैक्टिव ब्राइट कलर नहीं होंगे रात में खिलने वाले हैं किसी बर्ड्स को इंसेक्ट्स को यहाँ ट्रैक नहीं करना है क्योंकि चमगादड़ जो होता है उन्हें अच्छी खासी हायर वीजन पावर नहीं होता सो जिस वजह से उसे देखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन विद स्ट्रांग फ्रैगरेंस बट उस बट उसे बहुत ज़्यादा सुगंध होता है वो सुगंध के आधार पर ही जो चमगादड़ होता है उन फूलों पर जाके फीडिंग करता है दे सिक्रेट अबुंड नेक्टर इन फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा पुष्परस मधुरस होता है जिसे पीने के लिए ही ये बैट्स उन फूलों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स इन फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन्स होते हैं पोलन ग्रेन्स अच्छे खासे ठीक होते हैं सॉफ्ट होते हैं जो उनके लिए एक एडिबल ग्रेन्स होते हैं चमगादड़ के लिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कुछ पौधों के एंथोसेफेलस जिसे कंद कदम्बर ट्री कहा जाता है एडेंसोनिया बॉबैब ट्री कहा जाता है किगेलिया सॉसेज ट्री ये सारे जो प्लांट्स हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ नाइट में फूल खिलते हैं नक्टुर्नल फ्लावर्स होते हैं और इन नक्टुर्नल फ्लावर्स में अगर पॉलिनेशन करना है तो वो सिर्फ बैड से किया जाता है सो हिंदी से वी हैव टू डिस्कस एज फुल डिस्क्रिप्शन विथ अ पॉलिनेटिंग एजेंसीज एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स थैंक यू